खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। 2020 विधानसभा चुनाव आते ही लोगों में उत्साह भी है कि इस बार किसकी होगी सरकार, क्या वर्तमान सरकार उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाई, क्या इस बार जनता कोई नई सरकार चाहती है। मगर इन सबों के बीच एक मांग बार बार सामने निकल कर आ रही है, विशेष राज्य का दर्जा। आखिर क्यों विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा हो सकता है? तो हम राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने आवाज़ बुलंद किया है कि बिहार और झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए इस पर भी बात करेंगे। मगर इन्होंने ये भी कहा है कि जो 7 वीर पुरुष शहीद हुए थे, अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो 8वां मेरा नाम होगा। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है चाचा आपका। नमस्कार। मेरा सवाल है कि आप मांग करते आ रहे विशेष राज्य का दर्जा, आखिर क्यों? बिल्कुल सत्य बात है, पटना सचिवालय पर हमारा 7 वीर शहीद हुए, 1942 की घटना है। और उससे पहले हमारे 5-7 वीर हुए, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी, वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे। इसके अलावा जो 7 नाम बोले, देवीपत चौधरी, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, जगदीश प्रसाद झा, उमाकांत, जगपति कुमार, ये लोग इसीलिए हुए थे शहीद। क्या जो हमारे राज्य का लोग दूसरे राज्य में सतुआ, मकई, भूजा, चिवड़ा बांध के बनिहारी करने के लिए घूमेगा? नहीं, वो इसलिए शहीद हुए थे जो हमारी जनता को ज्यादा फैसिलिटी होगा, इसलिए बिहार के हमारे वीर पुरुषों ने अपना जानों की आहुति दी जो हमारा जनता खुशहाल होगा। हमारा जनता गरीब है, अंग्रेज को भगाए, इसीलिए तो विशेष राज मिलेगा। यहाँ बहुत गरीबी है, यहाँ झारखंड बिहार में आपको 35% भूमिहीन है लोग, प्लस ये लोग विशेष राज इसीलिए नहीं देता है जो बिहारी को लेबर कुली बना के रखो और जब जब जरूरत पड़े तो फौज में बहाली करो। एक चीज और ये भी बात बोलना चाहते हैं, जे लोग विशेष राज नहीं दे रहा, यही कारण से जे लोग बंधुआ मजदूर रहेगा, कमजोर रहेगा, पिछड़े रहेगा, गरीब रहेगा, तो ये लोग हम ठगेंगे। ये लोग जब सब कुछ से संपन्न हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, हर चीज हो जाएगा, तो लोग तो स्वच्छ वाला कानून देगा जी। क्या लग रहा है कि लोगों का समर्थन मिल रहा है? बहुत 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 बहुत। जो हम गरीब बच्चा को अंग्रेजी पढ़ने पर जोर दिए हैं और विशेष राज पर बहुत हमको समर्थन मिल रहा है, पब्लिक जय जयकार कर रही है विशेष राज की, पूरे बिहार गरज रहा है विशेष राज के लिए। अभी आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया इसको लेकर के? कहाँ? हम मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, फिर मुजफ्फरपुर होते हुए यहाँ पहुंचे। अभी जो लोगों के बीच में जा रहे हैं तो किस तरह से संदेश दे रहे हैं कि, और अब 28 को पहला चरण का मतदान है तो उसमें क्या आप कह रहे हैं लोगों? हम लोगों को यही कह रहे हैं, जहां आपको विशेष जात का उम्मीदवार नहीं मिल रहा है वहां आप लोग वोट अपने घर के अंदर रखिए, सुरक्षित घर के अंदर ताला बंद करके सोइए, वोट देने की जरूरत नहीं है। अगर जहां विशेष राज का उम्मीदवार मिल रहा है वहीं आप लोग वोट का अपना इस्तेमाल कीजिए। आपने कहा था कि अगर विशेष राज का दर्जा नहीं मिलेगा, इनसे हम आर्थिक नाकेबंदी करने जा रहे हैं, इनको हम हिला देंगे पूर्वी भारत ठोक करके। एक ये अगर मार्च में नहीं हमको घोषणा करते हैं झारखंड बिहार को, तो हम इनको पूर्वी भारत ठप करने जा रहे हैं अनिश्चित काल। और जब तक ही नहीं देंगे तब तक रहेगा पूरे मेरा बिहार झारखंड जनता जनार्दन का समर्थन मिल रहा है, एकदम बिल्कुल ठप हो जाएगा पूर्वी भारत। इनको हम त्राही में हम कराएंगे, ये हमको देंगे। और ये भी बोलेंगे मोदी जी को, जे मोदी जी आप सेठ मत बनिए और बिहारी को बकरा मत बनाइए, अब बिहारी कटेगा नहीं, हक लेगा, आ कहीं बंधुआ मजदूर बन के नहीं घूमेगा, बिहारी को हक चाहिए, झारखंडी को हक। 13 गो डैम आप बनाए हैं झारखंड में, बिजली पूरे देश को रोशन किए हैं, और झारखंड बिहार की जनता नमक रोटी बगैर मर रहा है। और एक भी बोलेंगे, आज गुजरात रेजिमेंट क्यों नहीं बना?
इस पर भी सीबीआई जांच होना चाहिए। जो सब स्टेट का रेजिमेंट बन गया लेकिन गुजरात रेजिमेंट का है नहीं बना। इसलिए जनता जनार्दन आप लोग से आग्रह है जो विशेष राज नहीं तो वोट नहीं। जय हिंद भारत माता की, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी आपको विशेष राज का दर्जा दिलाएगा, दिलाएगा अपने लास्ट पर सुरेंद्र सिंह दिलाएगा, लेकिन विशेष राज का दर्जा दिलाएगा। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। तो हमारे साथ आपने सुना, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और उन्होंने विशेष राज का दर्जा के लिए अपनी जान की आहुति देने का भी ऐलान किया है। अब देखना यह है कि जनता कहां तक इनका साथ देती है और सहयोग देती है। आमने सामने लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा, सियासत पर पैनी नजर, रात के अंधेरे में नाइट स्क्वाड, हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। खबर 365 न्यूज, सबकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ, आपके लिए। फ्रॉम द हाउस ऑफ सांध्य दैनिक, वीर साका गांडियो, शहर की धड़कन।